नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। मंगलवार को पंजाब विधानसभा के पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव में प्रयोग हो रही ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाने चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव अगर बैलेट पेपर से करवाया जाए तो यह साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सिद्धू ने यह भी बात कही कि कई विकसित देश ईवीएम मशीन पर पाबंदी लगा चुके हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से संस्थाओं को कठपुतली बनाया जा रहा है। इस तानाशाही के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसे डराया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाते हैं तो केंद्र सरकार एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। सिद्धू ने ईवीएम मशीन के प्रयोग के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की भी वकालत की है। लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत बैंस ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर पंजाब विधानसभा में भी ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद विपक्षी नेता हरपाल चीमा ने भी ईवीएम मशीन को बंद कराने की मांग उठाई है और कहा कि दिल्ली विधानसभा में ईवीएम की मॉक टेस्टिंग करवाई गई है जिसमे मशीन को टैपरिंग करने की बात का खुलासा हुआ है। इस पर विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह ने कहा कि यह विधानसभा का मामला नहीं है। ईवीएम मशीन को लेकर भारत में चुनाव के दौरान राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। काफी देश ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव को नकार चुके हैं। नीदरलैंड ने इस प्रयोग पर 2006 में ही प्रतिबंध लगा दिया था। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2009 में असंवैधानिक करार दिया था। यहाँ पर भी ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंग्लैंड और फ्रांस भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिका में भी ईवीएम का प्रयोग चुनाव में नहीं किया जाता है।